असलामुअलैकम, मैं थोड़ा अपना मिस्त्री मुहम्मद काशिफ। तो यह जे सामने सरिया बजा होया अठ मरले का, अठ मरले की छत का लेंटर पैना जी अज, और इनका सरिया बनया हुआ वा। तुहाडे नाल सरिए की मुकम्मल डिटेल शेयर करांगे। इस तो पहले जेडे मेरे भाई जेडे ने मेरे चैनल के उत्ते नवे आए ने, वीडियो वेख रहे ने, मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लो और नाल बैल आईकान का बटन दबा लवो ताकि तक मेरी आने वाली हर नवी वीडियो आसानी तरीके नाल पहुँच जाए, क्योंकि मेरी जिहड़ी वीडियो हैगी वो तुहाडी इनफॉर्मेशन लई बहुत ही बेहतर हुंदी है। ठीक है जी, सब तो पहले तुहानू दसांगे प्लाट की डिमेंशन और तुहानू दसांगे किन्ने सैकड़े जनाबे वाली लेंटर हैगा, कवर एरिया का किन्ने सैकड़े आ और किस हिसाब नाल इहदा सरिया बजे हैगा वा। टोटल डिटेल तुहानू इस वीडियो दे विच मुकम्मल असीं जनाबे वाली दसांगे। और ज़रा वीडियो नू पूरा वाच करना, तो किसी भी जगह पर वीडियो स्किप ना करना ता कि कोई भी जी अहम गल हैगी जेडे लोग मकान बनाना चाहते ने उन्होंने वास्ते मिस हो जाए। ठीक है जी, हाँ जी, सब तो पहले तुहानू पौड़ी दिखाने कि यह पौड़ी हैगी सीढ़ी। ठीक है जी, इनका सरिया बजा हुआ वा, 6 सरिये ने 3 सूत्र दे, उस तो बाद उत्ते टोटे बजे हुए ने, हर स्टैप दे विच एक सरिया वा। उस तो बाद RCC लेंटर हैगा वा, RCC के मुतलक ये जनाबे वाली छत बनी गई है सरिए की, सारी जी है वे डायरेक्शन तरतीब वो RCC लेंटर के मुताबिक हुई है। 8x8 तीन का जाल हैगा वा, बाकी बीम पत्ते ने इन्दे विच, उस तो बाद एक्सट्रा बार भी पिया है। ठीक है जी, ए चेक करो हुण ए बीम हैगा गराज के विच सामना, मतलब मेन बीम आता है गराज के अंदर। ठीक है जी, गराज का जिहड़ा मेन बीम आ इहदे विच जिहड़े टोटल सरिए ने 6 सूत्र दे, इहदे 6 सरिए ने और 3 सरिए ने इहदे 4 सूत्र ते, बाकी 9 इंच दे वाए उत्ते रिंग बज्जा होया। ठीक है, 1 फुट यानी कि लटक हैगी लैंटर तो थले इहदी। ठीक है जी, और ये 25 फुट लम्मा बीम पिया है गराज दे विच। उस तो बाद तुहानू दस दें जी इहदा कवर एरिया किन्ना हैगा वा, छत दा जिहड़ा कवर एरिया है वे तकरीबन साढ़ा बन रहा है वा 16.5 सैकड़े। ठीक है जी, 16.5 सैकड़े कवर एरिया वा जिंदा लेंटर पैना है। प्लाट की वैसे डिमेंशन जी है 3151 हैगी है। ठीक है, 8 मरले की 225 स्केयर फुट के हिसाब नाल मरले ने। तो यह चेक कर रहे हो तुसी जाल बजे 8x8 से, यह उत्ते एक्सट्रा बार है। एक्सट्रा बार कई मेरे भरावों को समझ नहीं लगती एक्सट्रा बार की होंगे। एक्सट्रा बार ये होंगे वा, एक जाल उत्ते होंगे एक जाल थले हों। ठीक है जी, डबल जाल हों कहते हैं एक्सट्रा बार। हर दीवार के उत्ते बीम बत्ता है वे। ठीक है जी, डिमेंशन तुम दस दी है, सरिया भी तुम दसिया है वा, टोटल पमैज दसी है भी कि हैगी छत की 16.5 सैकड़े है। और सरिए का जोड़ा वेट है वा इन साडा है वा 1780 kg। ठीक है जी, 1780 kg साडा सरिया पैंद, ग्राउंड फ्लोर की यह छत हैगी है, उत्ते इन्दे लोड आना इस करके 1780 kg जड़ा ना इन्दे विच साडा सरिया पिया। उस तो बाद जनाबे वाली मेरे भाई पुछणगे हुण इन्दे विच सीमेंट और जिहड़ी कंक्रीट हैगी क्रश। ठीक है जी, ये किन्नी पैनी है उंदी भी मैं तुहानू डिटेल दे दिंदा वा, दस दिंदा हैगा रेत इन्दे जी किन्नी पैनी और सीमेंट किन्ना पैना, क्योंकि RCC हैगा वा। सब तो पहले तुहानू मैं दस दिंदा इहदे विच रेत लगनी साडी 5 सैकड़े, 500 स्केयर फुट रेत लगनी है इस लेंटर दे विच। और उस तो बाद 650 स्केयर फुट 650 स्केयर फुट इन्दे ते साड़ी लगनी है बजरी। इस तो बाद आ जाती है जी वारी सीमेंट की, के इन्दे छत दे उत्ते सीमेंट कितना लगना है। सीमेंट लगना 135 तकरीबन 30 से 35 बोरियां लगनिया ने साड़िया इस लेंटर दे विच। ठीक है जी, इस तरीके कार नाल जिहड़ा ना टोटल मटीरियल तुहानू दस दिता है 135 बोरियां सीमेंट दियां, 650 बजरी, 5 सैकड़े तकरीबन रेत और 1880 kg यानी कि 1880 kg सरिया इन्दे जे लगा है वा। तो यह जनाबे लई इन्दे जे बजरी हैगी सरगोदा और मारगला की बजरी मिक्स करके पान लगे हैं असी। ठीक है जी, सीमेंट इन्दे विच मैपल लीफ का इस्तेमाल होना है। सरिया जिहड़ा है ये 60 ग्रेड का सरिया लगा है, ग्रेड का सरिया लगा, लोकल सरिया नहीं है। ठीक है मेरा भाई, ग्रेड के सरिए का वजन यह आता है, लोकल पाओगे तो वजन वध घट सकता है। ठीक है जी, इस तो बाद अल्लाह हाफिज़।